हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा बन या स्टाइल शेयर करने वाली हूँ साड़ी के लिए। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। एंड सेकेंड चैनल पर मेरी ब्लॉग वीडियो जाती रहती हैं, तो अगर आप ब्लॉग में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सेकेंड चैनल पर जाइए। सेकेंड चैनल का नेम है प्रीति तिवारी 2, तो जरूर जाइएगा वहाँ पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बालों को हाफ हाफ पार्टीशन करना है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से पार्टीशन करना है। नीचे के बालों को फ्रंट में ला लेंगे ताकि जब हम लोग इसमें रबड़ लगाएं तो ये फ्रंट वाले हेयर उसके साथ पकड़ाए नहीं, पकड़ जाते हैं फिर दिक्कत होती है निकालने में। तो टाइटली रबर बैंड को लगा लेंगे और इस तरीके से कर देंगे। क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि हमारे क्राउन एरिया पे वो बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक ना आए। ठीक है, अब हम लोग क्लचर की मदद से डोनट बन लेंगे और डोनट बन को रबर बैंड के जस्ट ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। रबर बैंड को ऐसे खींच के नीचे की तरफ कर देंगे और डोनट बन को इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल बनने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी साइड वाला हेयर लेना है और इसको ट्विस्ट करना। ट्विस्ट करके डोनट बन के ऊपर से लेके जाएंगे और यू पिन की मदद से सिक्योर करना। ओके, फिर दूसरी तरफ से लेके आएंगे। दूसरी तरफ में यूपिन की मदद से इसी तरीके से ट्विस्टिंग कर करके डोनट बन के ऊपर में वो लगाते जाएंगे और यू पिन से सिक्योर करते रहेंगे। इस तरीके से लगाते रहेंगे ये पिन को।
इसके साथ आप गजरा अटैच कर लीजिएगा आपके बन को और भी ज्यादा खूबसूरत लुक दिखाने के लिए। तो ये साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड बहुत ही इजीली आप बना लोगे। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको हेयर स्टाइल पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो कैसा लगा हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियोज को। एंड आज मैं बता दे रही हूँ आपको कि CTM क्या होता है। CTM करने के लिए आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है, या तो आप फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए या फिर क्लिंजिंग मिल्क से। तो क्लिंजिंग मिल्क से अच्छे से फेस वॉश को क्लीन करेंगे एंड ड्राई करेंगे। उसके बाद से आपको कोई अच्छे ब्रांड का टोनर लेना है अपनी स्किन से सूट कर, आपके स्किन पे जो सूट करता हो वो। और इसके अलावा अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल ले लीजिए एंड उसको पूरे फेस पे स्प्रे करिए, 2 मिनट के लिए छोड़ना है। एंड उसके बाद से आप सी मतलब क्लिंजिंग, टी मतलब टोनिंग एंड एम मतलब मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजर कोई अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर लेके पूरा अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना है और 2 मिनट के लिए छोड़ना है। सारे चीज़ें यूज करने के बाद स्किन को 2 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि अच्छे से प्रोडक्ट अपनी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है, प्राइमर लगाने के बाद भी आपको 2 मिनट के लिए छोड़ना है। तो ये है जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो उससे पहले का प्रोसेस है। तो मेकअप जब भी आपको करना है तो ये करना जरूरी है, CTM करना जरूरी है ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो एंड ग्लोइंग हो एंड काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ हो और आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी डस्ट होते हैं वो निकल जाए और आपकी स्किन पे ज़्यादा इफेक्ट ना करे मेकअप। और जो प्राइमर की लेयर है वो लगानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेयर भी जरूर, प्राइमर ज़रूर लगाइएगा। प्राइमर नहीं लगाने से क्या होता है कि जब आपकी स्किन में पसीना आता है ना तो वो फाउंडेशन के साथ मिक्स होता है एंड आपका जो मेकअप होता है वो काला होने लग जाता है। अगर प्राइमर लगाते हो तो वो आपकी ओपन पोर्स को हाइड कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से आप मेकअप अप्लाई करते हो फाउंडेशन वगैरह तो वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता, आपके पसीने के साथ मिक्स नहीं होता है एंड आपका मेकअप जो होता है वो काला नहीं पड़ता है एंड लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो आई होप कि आज का टिप्स आपको पसंद आया हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी इस तरीके की हेल्पफुल टिप्स एंड ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स देखने के लिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।